जी हाँ, सराज न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग। फैज अहमद लोन की पीडीडी एडब्ल्यू सुमन जी की कुड़धार से बातचीत। प्रॉब्लम है, कुछ बोल दिए थे लाइनमैन साहब ने, तो वो कुछ वापस भी ले लिए, तो कहीं पर्चे वर्चे पे भी बारी आई है, तो मैं इसका क्या मसला हो गया सर? हाँ, अच्छा, वो लाइन फैज अहमद लोन कुड़धार से पीडीडी एडब्ल्यू के साथ बातचीत करते हुए। पोल बहुत सारे दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो लाइनमैन साहब ने तो खुद ही उठाए, हमने देखा ना। अच्छा, कंप्लेंट क्या हुई सर? अच्छा, वही ना सर, मैं अभी आया था इस वक्त यहाँ पे, तो यहाँ लोगों। अच्छा, चलो ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक, अच्छा, तो इसके लिए क्या दफ्तर में आ जाए कोई बंदा? अच्छा, अभी खुद ही उसमें। चलो ठीक है सर, आप चलो ठीक है सर, चलो ठीक है सर। ना, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम गांव कुड़धार में मौजूद हैं। अभी जो है यहाँ की, यहाँ लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमारी एडब्ल्यू साहब से बात हो रही थी, यहाँ जो है सौभाग्य के तहत जो इन लोगों को यहाँ कुछ पोल्स दिए गए थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आज ही उन पोल्स को यहाँ से उठा के ले जाया गया है। तो अभी हमें एडब्ल्यू साहब ने वक्ती तौर आश्वासन तो दिया है कि हम वो पोल जो है वापस करेंगे, लेकिन अभी बातों से ही बोला है, जब कोई फील्ड पे दिखाएंगे तो हम तभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आप पूरा यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस मार्केट में जो है सिर्फ खाली लकड़ी के पोल नजर आ रहे हैं, और यहाँ पोल जो है जरूरत के मुताबिक यहाँ दिए गए थे, लेकिन उन पोल्स को जो है आज ही यहाँ से उठाया गया है। लोग यहाँ जो है परेशान हुए हैं, लोगों को एफआईआर के बीच में ला रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट की चीज है, उसको तो यूटिलाइज करना ही है, इसमें जो है एफआईआर की क्या बात है। इसलिए हम डिपार्टमेंट से थोड़ी गुजारिश करते हैं कि इन लोगों की जो है वो यहाँ हेल्प की जाए, और ऐसे एफआईआर के बीच में लोगों को ना धकेला जाए। फैज अहमद लोन के हमरा शबीर अहमद ने कुड़धार के भरचर्न घोड़ाल मनसू गांव का दौरा किया, जहां पिछले कुछ दिनों से चट्टाने गिरने का सिलसिला जारी है। वहां पर लोगों के साथ बातचीत की और लोगों को यकीन दिलाया कि वो इनकी परेशानियों को ज़िला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया कास्तीगढ़ से बातचीत करेंगे। उन्होंने घोड़ाल फाट मनसू के उस गांव का दौरा किया, जहां पर पिछले कुछ दिनों से चट्टाने गिरने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके मकानात, फलदार दरख्तों, ज़मीनों का काफ़ी नुकसान हुआ है। खुशकिस्मती वाली बात यह रही कि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैज अहमद लोन के इस दौरे पर लोगों ने काफ़ी खुशी मनाई और इनका शुक्रिया अदा किया कि फैज अहमद लोन ने उनके इस गांव में दौरा करके उनकी परेशानियों को सुना और यकीन दिलाया कि वो ज़िला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया व सरकार से इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि फैज अहमद लोन के हमरा शबीर अहमद और दीगर लोगों ने उस
जगह का मायना किया, उस जगह का जायजा लिया जहां से भारी भारी चट्टाने गिरने का सिलसिला आज भी जारी है और इन लोगों की जिंदगियां कभी भी बहुत बड़ी मुश्किल से इनकी जिंदगियां बच सकती हैं। फैज अहमद लोन ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस बारे में जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया से बात करेंगे। आज भी इन लोगों की जिंदगियां खतरे से खाली नहीं। फैज अहमद लोन के इस दौरे के दौरान लोगों में काफ़ी खुशी महसूस की गई और फैज अहमद लोन के इस काम को सराहा गया। फैज अहमद लोन ने कुड़धार के गवर्नमेंट हाई स्कूल का भी दौरा किया और उसकी खस्ता हालत पर भी जिला इंतजामिया तहसील इंतजामिया महकमा एजुकेशन से गुजारिश की गई कि इस बिल्डिंग की पंच है की खस्ता हालत के बारे में फौरी तौर एक्शन लिया जाए। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ पर दीवारें गिर चुकी हैं और भी बिल्डिंग को यानी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर के लोग सब बाहर निकले हैं, बेघर हो रहे हैं और टेंटों में बैठे हैं। टेंटों से इनका कोई कुछ मुकाम नहीं चल सकता है और इनको इन टेंटों से कुछ भी नहीं बनने वाला है। इनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए आगे से। जो हमारे इधर फलदार दरख्तों से बहुत नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है और चट्टाने गिरने से बहुत नुकसान हुआ है। लोग परेशान है, वो टेंटों से गुजारा नहीं होने वाला है और टेंटों से गुजारा नहीं होने वाला है। बताएं जी, क्या परेशानियां चल रही हैं आपको यहाँ पर? यहाँ से जो वार्ड नंबर 5 में परचन और ये परचन फाट बहुत मुश्किल, बहुत चट्टाने गिरने का बहुत मुश्किल हो गया है। चट्टाने बहुत बहुत से आए हैं, बहुत जमीन और जो है दरख्त सब कुछ, कुछ मकान जद में आ रहे हैं, कुछ गिर गए हैं, ऐसी ऐसी बात है। बाकी बहुत मुश्किल का सामना पड़ गया है सर। ये जो है क्या जो टेंटों से हमें कुछ गुजारा नहीं हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट कुछ न कुछ हमारा इंतजाम दूसरा किया जाए, इससे कुछ नहीं बनने वाला है। बाकी क्या बताएं जी, क्या परेशानियां चल रही हैं यहाँ पर चट्टानों के गिरने से? लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर ये पंचायत कुड़धार ए वार्ड नंबर 5 जो भरचिन है, वहाँ पे कबल 4 साल पहले इस चट्टान का गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था, फिर बीच में कुछ अरसा ये बंद हो गया, फिर एक हफ्ते पहले से एक एक पत्थर गिरने शुरू हो गए और कल परसों जो मंगलवार की बात है, मंगलवार को रात को बहुत भारी एक चट्टान गिरी, उस चट्टान से भी काफी नुकसान हुआ और उसके बाद परसों जो ये मतलब एक दिन पहले दो दिन पहले ये जो नुकसान हुआ, इसमें कम से कम तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 450 के आसपास में जो अखरोट के पेड़ थे वो भी स्लाइड में खत्म हो गए और कुछ मकानों पे जो नुकसान हो गया, कुछ मकान गिर गए और अभी जो जिस हिसाब से चट्टान का सिलसिला जारी है तो शायद और भी मकानों को नुकसान हो सकता है। तो जिला इंतजामिया से हमारी ये गुजारिश की जाती है कि हमको टेंटों से हमारा कोई भी गुजारा नहीं चलने वाला है, लिहाजा वो जो ये फैमिली बाहर रह रही है इनके बारे में कोई इंतजाम करें ताकि अपने बच्चे जो है उनके और अपने उनका खुद सिलसिला जो है वो किसी ढंग से किसी हद तक वो अपने चैन से नींद से सोए। ये कास्तीगढ़ तहसील पंचायत कुड़धार के अंदर जो 5 नंबर वार्ड है, इसमें बहुत बड़ा एक स्लाइट और बड़े बड़े पत्थर जो गिरने का सिलसिला है, काफी दिनों से ये चल रहा है। हमारे ये 5 नंबर वार्ड के जो बंदे, जो जितने भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ये सब लोग और छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये टेंटों में गुजारा कर रहे हैं। इनके साथ हम जिला इंतजामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो इन लोगों ने हमको टेंट दिए हैं, इन टेंटों से हमारा कोई गुजारा होने वाला नहीं है और लिहाजा इनके लिए कोई कंबल राशन, जिन जिन लोगों की जमीनें इस जद में आई हैं उनको फ्री राशन मिलनी चाहिए और जिन जिन लोगों के मकानात इस जद में आ चुके हैं तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में PMAY का जो मकान इस वक्त स्कीम चली हुई है तो उस स्कीम में फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको मतलब ये मिलने चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि जैसे हमारे जो जमीन का नुकसान हुआ है, किसी भी डिपार्टमेंट का, ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है सर, इसमें
जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट इसमें थोड़ा थोड़ा अगर पैसा लगाकर इस गांव में लगाएं, ताकि ये गांव फिर दोबारा से गांव बन सके, ये गांव वाले अपनी जिंदगी बसर कर सके, ये गांव जिंदा रह सकता है। हम डीसी साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गरीब आवाम के लिए, इस गरीब गांव के लिए थोड़ी तवज्जो दें, ताकि गरीब आवाम अपनी जिंदगी बसर कर सके। थैंक यू। जमीन चले गई, बूट चले गई, तमाम आई जले, निके निके बच्चे जले छे, दर दर अपू माल जान, तो खूब हम खूब राम किस फुट राम खिड़खड़े है ऐसा सोचने का लोग टेंट से दिया ही कोई नहीं गुजर पा सका, तो सारे बारे सोचा तमाम जमीन हरी सका, जब तमाम जमीन खत्म हुई गई, राशन किसी पर आई राम खड़े। अब ये जो स्लाइड आई है, इसका मसला जो है, ये 2015 में पहले ये स्लाइड चली थी, लेकिन उसके बाद हम सब लोगों ने जाकर डीसी साहब डोडा को मुतला किया था इसके बारे में, और उसके बाद उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। उसके बाद जनाब परसों मंगल की रात को, रात के 12 बजे जब ये एक बहुत भारी पहाड़ी ऊपर से आई, तो हम लोग सभी जाग गए, तमाम बाल बच्चे लेकर बाहर निकल गए। उसके बाद दूसरे दिन भी चट्टाने चलने का सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद परसों क्या कहते हैं वीरवार को पूरा बॉर्डर जो है, सब बॉर्डर जो है नीचे चले आए और हमारी जमीन को खत्म कर दिया, और जो भी दरख्त थे इसके, अखरोट के थे, सेब के थे, वो तमाम खत्म हो गए, हमारी जो जमीन थी वो सब खत्म हो गई। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर से इल्तजा करते हैं कि हमें हमारे रहने के लिए तो टेंट तो दिए हैं, लेकिन हमारा माल मवेशी कहाँ जाएगा? टेंट में तो हम रह सकते हैं, चलो बाल बच्चे हम टाइम गुजार सकते हैं, लेकिन हमारा जो हमारा मेन मकसद है, माल जो होता है वो कहाँ रखेंगे हम? लिहाजा हम चनाब टीवी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस मसले को हाईलाइट किया, और बाकी जनाब कोई भी मीडिया वाला हमारे इधर नहीं आया, लिहाजा शुक्रिया। जी बताएं फैज साहब, क्या देखा यहाँ पे आपने, यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग एरिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम आपको पहले ये बता दें कि हम इस वक्त जो हैं पंचायत कुड़धार में मौजूद हैं, यहाँ की जो सारी जनता जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इस वक्त हमारे साथ हैं। तो इस वक्त जो हमारा मेन मकसद था, यहाँ आने का मकसद जो था, इनके घर टूट चुके हैं, इनके मकान टूट चुके हैं, इनके बागात टूट चुके हैं, इनके अखरोटों के दरख्त टूट चुके हैं, इनके सेबों के दरख्त टूट चुके हैं, कहीं ना कहीं इन दरख्तों के की वजह से जो थे यहाँ की जो गरीब आवाम जनता है, ये साल भर का खंता जो है बिल्कुल उससे महरूम हो चुकी है। और अभी जो हमने इस पसी को अच्छी तरह से लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाया, हमने पूरा जायजा लिया, ये पसी जो है इसका कहीं ना कहीं रुकने का जो, थमने का जो नाम है वो तो नजर नहीं आता है। इस पस्सी से जो जितने भी मकान सब क्रैक हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, कुछ मकान जो है बिल्कुल तहस नहस हो चुके जाए। इस वक्त जो है लोग यहाँ टेंटू में रह रहे हैं, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से देखा, अपनी आंखों से देखा, यहाँ की आम जनता ने भी यही सवाल किए हैं। आप इस मीडिया के माध्यम से कहीं आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करो कि इस वक्त सख्त परेशानी की हालत में टेंटू के अंदर रह रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो इस वक्त ये जाएं तो जाएं कहां? तो हम इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से गुजारिश करते हैं कि यहां पर जो है इस वक्त आला से आला टीमें यहां गांव की तरफ भेजकर जाए, वारदात तक भेज, ताकि